चक गजरिया में उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं मंच पे देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा मंच जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता हैं, यहाँ पर उपस्थित हमें बड़ी संख्या में समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं और रथ के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये नया वर्ष जहाँ तारीख बदलने से आया है और हमें उम्मीद है कि इस नए वर्ष में उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा और यहाँ का किसान, नौजवान, व्यापारी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो बदलाव ना चाहता हो, परिवर्तन ना चाहता हो, क्योंकि पिछले लगभग 4.5 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, तकलीफ मिली है, परेशानियां मिली हैं और जहां विकास हो जाना चाहिए था आज विकास पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है, विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसका परिणाम है कि जहां किसान दुखी, जिसको आय दोगुनी मिलनी थी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहां व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण आज महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है और हम किसी भी आंकड़े को उठा करके देख लें आज उत्तर प्रदेश हर आंकड़े में पीछे दिखाई दे रही है। चाहे स्वास्थ्य के आंकड़े हों देश के, उसमें आपका उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां आगे बढ़ना चाहिए था आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है। और अगर हम कोरोना के कार्यकाल को देखें और जिस तरीके से सरकार का कामकाज रहा है, उत्तर प्रदेश की प्राइमरी पढ़ाई से लेकर के जो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई थी पूरी तरीके से ठप है। जहां से आज हम लोग चक गजरिया के स्थान से शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम, ये स्थान वो है जहां एक समय पर जंगल था, देरी का थोड़ा बहुत काम होता था। समाजवादी सरकार में एक चक गजरिया न केवल लखनऊ के लिए बल्कि देश के लिए उदाहरण बनता है, जहां एक जगह पर एक शहरी विकास कैसे किया जा सकता है, एक शहरी विकास क्या होता है, सड़कें कैसी हों, फुटपाथ कैसा हो, बिजली के खंभे कैसे हों, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हों और आज के समय पर जो आधुनिक पढ़ाई है या ट्रेनिंग किस तरीके से हो, उसका भी बड़े पैमाने पर यहाँ इंतजाम हुआ है। ये जितना विकास यहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। इस काम को आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई, ये काम जो शुरू हुए थे, जहां से शुरू हुए वहीं के वहीं है, इन कामों को पूरा नहीं सरकार ने किया और इस सरकार ने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये समाजवादी सरकार के काम थे। और मैं कहना चाहता हूं इसमें समाजवादियों की बड़ी देन है कि आज दुनिया से अगर जोड़ने का काम किसी सरकार में हुआ है तो यही एससीएल पीछे दिखाई दे रहा है, जहां पे हजारों की संख्या में प्रोफेशनल लोगों को जो आज के समय की नौकरियां वो लोग कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय एससीएल का उद्घाटन हुआ था, बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी आए थे, बच्चों ने जहां धन्यवाद दिया था
वहीं उनके माँ बाप ने भी धन्यवाद इसलिए दिया था कि ये बच्चे जाकर के चेन्नई में, जाकर के बेंगलोर में, जाकर के हैदराबाद में पढ़ते थे, लेकिन जब से एससीएल आया है वहाँ तो पढ़ाई दूर है, यहाँ पर नौकरी भी मिल गई और आने वाले समय में कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके लिए भी ट्रेनिंग का इंतजाम यहाँ हुआ है। यही कैंसर इंस्टीट्यूट है बाईं तरफ, कैंसर इंस्टीट्यूट नेताजी के समय और नेताजी ने शिलान्यास किया था, ये कैंसर इंस्टीट्यूट बन जाता तो न केवल कोविड में लोगों की मदद करता और हमारे उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोग हैं जिन्हें कैंसर का इलाज कराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक जाना पड़ता है, ये अगर कैंसर इंस्टीट्यूट बन जाती तो इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, यहीं का यहीं गरीब का इलाज हो जाता। आज कैंसर का इलाज महंगा है, इतना महंगा है कि अगर किसी परिवार में किसी एक सदस्य को बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करा सकता है। ये समाजवादी सरकार की देन है कि कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर के तैयार हो जाता तो गरीब को कहीं नहीं जाना पड़ता, यहीं पर फ्री इलाज, सस्ते में इलाज गरीब को मिल जाता। दाईं तरफ एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, याद होगा जब यहां पर क्रिकेट का मैच हुआ था, जिस समय T20 हुआ था, उस समय जिसने भी देखा स्टेडियम को उसने कहा कि ऐसा देश में स्टेडियम नहीं बना है, उतना शानदार और आधुनिक स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है। और बाबा मुख्यमंत्री, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई बड़ा काम अगर करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, तो वो अपने बनाए हुए स्टेडियम को नहीं ढूंढते हैं, आपके बनाए हुए स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को अभी जब स्मार्टफोन और टैबलेट मिले थे तो याद कीजिए बाबा मुख्यमंत्री ने यही स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम किया था, उनके पास कोई दूसरा स्थान नहीं था। जिस समय ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान करना था उस समय भी उनका कोई स्टेडियम ऐसा नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ओलंपिक में हमारे देश का जिन्होंने राम रोशन किया था उन्हें कहीं सम्मान दिला सके, यही स्टेडियम में आकर के उनका सम्मान करने का काम हुआ था। ये समाजवादियों ने इसलिए स्टेडियम बनाया क्योंकि खेल भावना को और खेल को हम पहचानते हैं, खेल को समझते हैं कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या, बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं, क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं, क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बनकर के बॉल पकड़ सकते हैं, क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं, क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं, और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं, क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे। और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना है तो योग्य सरकार बनेगी तभी जाकर के उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हैं ये सब समाजवादियों की देन है। ये दाई तरफ जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा था ये भी समाजवादी सरकार की देन है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग दाई तरफ दिखाई दे रही हैं ये भी समाजवादियों की देन है। ये जो टेढ़े आपको स्ट्रीट लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं ये भी समाजवादियों के हैं। डायल 100 भी समाजवादियों का है। जो बड़ा सा एक पुलिस हेडक्वार्टर बना है जो समाजवादी सरकार में बना था, देश के DGP आए थे वो कह के गए थे कि इससे आधुनिक और एक जगह बैठ करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए अधिकारियों की बैठने की कोई जगह नहीं है, ऐसी जो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बना करके दी है। यही नहीं, अस्पताल बनना था लोहिया इंस्टीट्यूट का, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है।
एक स्कूल बनाए संस्कृति, ये दिल्ली वाले जानते होंगे जो दिल्ली में कभी कभी जाते होंगे एडमिशन कराने के लिए, देश का दिल्ली में ऐसा संस्कृति स्कूल है, आप किसकी भी सिफारिश करा लो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। अगर ये इंस्टीट्यूशन बन जाता, ये संस्था बन जाती तो यहाँ भी बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाता, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने इसको बनने का काम नहीं दिया। ये केवल विकास के दुश्मन नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के भी दुश्मन है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ अल्पसंख्यकों के दुश्मन, जिस समय ये सरकार में आए पूरे दिल्ली की लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने के लिए एंग्लो इंडियन लोगों के लिए रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को अगर किसी ने खत्म किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने है। किसानों के आंदोलन को लेकर के कितने हमारे सिख भाई जो आंदोलन में गए थे, कितना अन्याय हुआ, सड़कों पे कीलें लगा दी गई, होल्डर लगा दिए गए, गड्ढे खोद दिए गए, 600-700 हमारे सिख भाई जो किसान थे, किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए। और अब केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं, पहले गलत जैन के यहां चले गए, पहले गलत जैन के यहां चले गए और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। और छापा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज के आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आबादी में 50 लाख होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि 50 लाख आबादी के लोग भी तरक्की और खुशहाली करें। तमाम वो लोग हैं जिनकी 100 साल से फर्म चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ साबित करना है, क्योंकि कानपुर में जो पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का था, जो दीवालों से निकला वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का था, और जो गिना गया पैसा वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। अगर कोई बदनामी से और कोई गलत फैसले को सही फैसला बनाने के लिए जबरदस्ती समाजवादियों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है आज हम इस विकास से, और वहां पर भगवान परशुराम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए अपने मंच पर उपस्थित सभी नेताओं को, जिनको मैं देख रहा हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में हमें मैदान में भी दिखाई दे रहे हैं, मैं एक एक नेता का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई, सामने हमारे रथ हैं उनका भी बहुत धन्यवाद, पीछे भी बड़ी संख्या में है अधिवक्ता संघ के लोग भी हैं इनका भी धन्यवाद, और दाई तरफ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं एक एक साथी का धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इस उम्मीद और भरोसे के साथ आने वाले समय में साइकिल की सरकार बनेगी, और साइकिल की सरकार बनने से ये हमारे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। ये कम से कम आधुनिक और एक उदाहरण दिया समाजवादियों ने कि विकास भविष्य में कैसा हो, और अगर भविष्य में भी हमें विकास करने का मौका मिलेगा तो विकास हम इसलिए करना चाहते हैं जिससे कि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चले जाएं। लेकिन साथियों याद रखना, समाजवादी पार्टी का नए साल पर पहला संकल्प, याद है कि नहीं याद है आपको, कि हमारे गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब सब कुछ बंद था महामारी में,
कोरोना के समय जब सब कुछ बंद था, हर चीज में ताले लग गए थे, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को बचा रहा था तो वो हमारा किसान था। उस बीमारी के समय भी खेत में काम कर करके उसने हमारे पेटों को भरने के लिए तमाम काम किए। उस किसान का हम धन्यवाद देते हैं और आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत बधाई।